हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बॉर्डर वाली ब्लाउज का कटिंग और बेल्ट वाली कटिंग भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज के हिसाब से है, सीना है 20 इंच, कमर है 14.5 इंच और लंबाई है 13.5 इंच। पीछे का गला है 6.5 इंच और आगे का गला है 6.5 इंच। बाजू की लंबाई है 6 इंच, बाजू की मोहरी है 5 इंच और तीरा है 11 इंच। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीना के हिसाब से कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। तो हमने फोल्ड कर दिया फ्रेंड्स इस प्रकार से। अब बॉर्डर को हम नीचे की तरफ रखेंगे और सबसे पहले हम बैक वाली भाग की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, सीना है 20 इंच ब्लाउज के मेजरमेंट के हिसाब से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 10 इंच यहाँ तक आता है, तो ये 1.5 इंच मार्जिन के लिए हम रखेंगे। सबसे पहले हम सीना के हिसाब से कपड़ा बिछाने के बाद फिर हम लंबाई लेंगे। लंबाई है इसका 13.5 इंच। फिर जो किनारी है इसको छोड़कर और हम आधा इंच सिर्फ हम मार्जिन लेंगे इसमें। लंबाई में 13.5 इंच की जगह पर हम 14 इंच रखेंगे। तीरा है इसका 11 इंच, तो हम इसका आधा रखेंगे 5.5 इंच। 11 का आधा 5.5 होगा। गला हम इस तरह से 2 इंच रखेंगे। इधर से 6.5 इंच गला है, तो 6.5 इंच रखेंगे। दो इंच आधा इंच गोलाई, साढ़े पाँच इंच आर्म होल, डेढ़ इंच आर्म होल की गोलाई, सीना है फ्रेंड्स 20 इंच, तो 10 इंच पे हम निशान लगा लेंगे यहाँ पे। और कमर है इसका 14.5 इंच, तो 14.5 का आधा होगा फ्रेंड्स 7 इंच 2 पॉइंट, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे बढ़ाकर 8 इंच 2 पॉइंट का निशान लगाएंगे, क्योंकि इसमें डॉट लगाना है। डेढ़ इंच मार्जिन ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, हम आगे का भाग का कटिंग करेंगे। इस प्रकार रख लेंगे। इस प्रकार रख कर क्यों कटिंग करते हैं फ्रेंड्स? कटिंग करने से हमें को एक फ़ायदा होता है कि कपड़े की बचत होती है इस प्रकार से। गला हमको इतना ही लेना है आगे का भी, तो जितना है उतना ही कटिंग करेंगे और आर्म होल इतना ही कटिंग करेंगे और साइड से भी। और लंबाई में हम चेंज करेंगे, लंबाई हमको बढ़ाना है इसमें। आगे वाला भाग है बेल्ट वाला कटिंग करना है, तो इसमें 2.5 इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि बेल्ट में जाएगा 1 इंच और 1.5 इंच जाएगा तुरपाई में, इसलिए हम 2.5 इंच बढ़ाकर यहाँ से निशान लगा लेते हैं। थ्री फ्रेंड्स, ये जो हम 2.5 इंच का ये बढ़ाकर हम निशान लगा रहे हैं, मोड़ का तुरपाई भी करना है और बेल्ट की कटिंग भी करना है। तो बाजू को ध्यान रखते हुए
यहाँ से हमको नाप लेना है कि बाजू कितने इंच का हमको रखना है, उसके हिसाब से कटिंग करना है। अगर हमको बाजू इससे बड़ा चाहिए, मान लीजिए 7 इंच 8 इंच चाहिए, तो कपड़ा इधर घट रहा है तो 1 इंच घटा देंगे, 1.5 इंच का ही हम कटिंग करेंगे नाप कर, और इसमें पट्टी जोड़कर हम पलट के तुरपाई कर देंगे। और उससे भी बड़ा बाजू चाहिए तो हम बिना बेल्ट का ही रख देंगे, या अलग से साइड वाला जो कपड़ा बच रहा है इसमें बेल्ट की कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखते हुए आप बाजू की कटिंग कीजिएगा। फ्रेंड्स, आगे और पीछे दोनों का हम भाग काट चुके हैं। अब आगे वाले भाग में हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट का निशान यहाँ से हम हाइट के हिसाब से लगता है, मतलब जैसे सीना के हिसाब से या गला के हिसाब से हम रखते हैं। सबसे कम 5 इंच का हमको बेल्ट रखना है गला के पास से। अगर 6 इंच का गला रहेगा तो हम 5.5 का रखेंगे, कम से कम 6.5 है तो 6.5 इंच का गला है तो 5 इंच हम रख सकते हैं, लेकिन सीना इसका 20 इंच है तो उसके हिसाब से हम 1/2 इंच और बढ़ा कर रखेंगे 5.5 इंच। या अगर ब्लाउज का नाप हो बेल्ट वाली तो उससे भी हम नाप सकते हैं गला के नीचे कितना इंच आ रहा है, 4 इंच का आएगा तो 1 इंच बढ़ा कर हम निशान लगा सकते हैं। यहाँ से फ्रंट से नीचे 5 इंच बच रहा है तो उसमें 2 इंच माइनस करके हम 3 इंच पर इस प्रकार से निशान लगाएंगे और इस तरह से रेखा खींच लेंगे और 1/2 इंच इस तरह से गोलाई लेते हुए अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, बेल्ट की भी कटिंग हो चुकी, अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। इधर जो कपड़ा बचा हुआ है इसकी बाजू की कटिंग करेंगे इस प्रकार से। बाजू की कटिंग करने के लिए फ्रेंड्स इसके नाप लेना पड़ेगा। तो 5 इंच 2 पॉइंट का बाजू हमको चाहिए, तो यहाँ किनारी छोड़कर, ये जो किनारी है इसको मोड़कर सिलाई करना है, तो इसको छोड़कर 5 इंच 2 पॉइंट का हमको रखना है सिलने के बाद। तो 1/2 इंच बढ़ाकर हम 5.25 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, ये 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। और यहाँ से हम नाप लेंगे आर्म होल के नाप से, जो ब्लाउज कटा हुआ है इसी से नापेंगे, ब्लाउज से नाप नहीं लेंगे, इस तरह से नाप लेंगे क्योंकि इसी में ही जोड़ना है। तो बॉर्डर वाले पीस में फ्रेंड्स जरूर थोड़ा सा जोड़ना ही पड़ता है, ये जोड़ लेते हैं तो इसका नाप बिल्कुल सब बराबर आ जाता है, तो इसलिए हम इसको इस प्रकार से काट लेंगे गोलाई। और काटने के बाद, जोड़ने के बाद फिर इसकी फिनिशिंग हम देते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स 4 फोल्ड कर देंगे इस प्रकार से, 4 तह मतलब, और इस तरह से ऊपर चढ़ा लेंगे 1 इंच और इस प्रकार नाप लेंगे आर्म होल से। इसके बाद कटिंग कर लेंगे। चार टुकड़ा कर लेंगे इसको। अब इसको हम फ्रेंड्स मशीन से जोड़ लेते हैं। 3 फ्रेंड्स ये बाजू को हमने जोड़ रखा है। जोड़ने के बाद यहाँ से हम इस तरह से नापेंगे, जितना नाप है उसका 1/2 लेंगे। इस तरह से नाप हमने बता ही चुका है बाजू का लंबाई का, इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद बाजू की गोलाई इस प्रकार से लेते हैं, 1/2 इंच इस तरह से करते हुए बीच में सेंटर का भी एक निशान लगा सकते हैं इस प्रकार से। ये जितना है 11.5 है, इसका
लेंगे पौने छः इंच और यहाँ से इस प्रकार से अंदर की तरफ तीन पॉइंट इस तरह से घूम जाएंगे। और ब्लाउज का ब्लाउज के नाप के हिसाब से निशान लगा लेंगे। बाजू की मोहरी है फ्रेंड्स 5 इंच 2 पॉइंट इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन और यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद विपरीत दिशा में बाजू को इस प्रकार से रखते हुए इधर थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको छाट के निकाल लेंगे। इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद कट लगाने के बाद एक तरफ का भाग इस तरह से छाट लेंगे बाजू को। छाटने से पहले फ्रेंड्स ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि विपरीत दिशा होना चाहिए। ये सीधा वाला भाग है तो ये भी सीधा वाला भाग होना चाहिए और ये ऊपर वाला उल्टा है तो नीचे वाला भी उल्टा होना चाहिए। उसके बाद हम कटिंग करेंगे, इसकी छाटने वाला काम करेंगे इस तरह से। और ये भाग देखिए इस तरह से मोड़ कर देख लेंगे। जो छठा वाला भाग है इसको जोड़ते समय आगे की तरफ ज़रूर हम रख के सिलाई करेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हमने पट्टी की कटिंग कर चुके हैं। ये बटन वाली पट्टी है, बटन लगाने के लिए हमने 4 इंच चौड़ाई का कटिंग किए हैं और इस तरह से मोड़ कर डबल करके सिलाई करेंगे इस प्रकार से मोड़ कर। और दूसरे वीडियो में आप देख लीजिएगा। और ये काज पट्टी है, इसको हम 3 इंच की चौड़ाई देते हुए कटिंग किए हैं। और फ्रेंड्स ये गला पट्टी है, इसको और एक पट्टी में हमने 1.5 इंच की चौड़ाई देते हुए कटिंग कर ली। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।